मित्रों, मैं एक गंभीर मुद्दे पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। हालांकि वो विचार रखने के बाद हो सकता है लोग मुझे गालियां भी दें और बहुत सारी नकारात्मकताएं हमारे ऊपर हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारी जैसी आदत है कि वो कहावत है ना कि सच्ची बात सच में लिखा है और सबके चित्त से उतरे रहे, इसलिए मैं वो विषय आज रखना चाहता हूँ। एक समस्या है आवारा पशु, जिसे लोग कहते हैं आवारा पशुओं की समस्या। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जिन्हें आप आवारा पशु कहते हैं वो आवारा नहीं है। क्यों नहीं है? आवारा किसे कहते हैं भाई? आपके घर में भी पुराने जमाने में आपके घर के बड़े वाले कहते रहे होंगे, ये लड़का आवारा हो गया है, ये आदमी आवारा हो गया है। यानी जो अपने बड़ों की बातें नहीं मानता था, मनमाना करता था, घर से भाग जाया करता था, ऐसे लोगों को आवारा बोला जाता है। तो क्या आपके जो गाय बैल बछड़े हैं, क्या वो जबरदस्ती आपका घर छोड़ के भाग रहे हैं? नहीं ना, बल्कि वो आप जहां हैं लौट लौट करके वो वहां आ रहे हैं। आप उन्हें भगा रहे हैं लेकिन वो लौट लौट करके आपके पास आ रहे हैं। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके बाड़ी में, आप रात में सारे पशु ये गाय बैल वहीं ठहर रहे हैं जहां पर आप लोगों का निवास है, जहां पर लोग हों। तो ऐसे में उन्हें आवारा कहां कह सकते हैं? हम उन्हें जबरदस्ती अपने घरों से भगा रहे हैं तो हम उन्हें आवारा नहीं कह सकते। दूसरी बात कि अब ये बात प्रचलन में है, समस्या है कि इन पशुओं की वजह से हमारी खेती नष्ट हो रही है और गरीब किसान भूखे मर रहे हैं। भाई हमें कोई बताए आपके मोहल्ले में कौन आज कौन भूख से मर रहा है? भाई इतनी सारी सुविधाएं चारों तरफ हैं, हमें तो नहीं लगता कि कोई आज के जमाने में भूख से मर रहा हो। आपकी नजर में कहीं होगा हमको मिला लेगा भाई जिसके पास खाने के लिए नहीं है और वो भूख से मर रहा हो। ऐसी समस्या अब हमारे देश में नहीं है, ये सब बनावटी बातें हैं। हाँ ये जरूर है कि आपका कृषि, आपकी फसल नुकसान हो रही है। वो क्यों हो रही है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हमें किसने बनाया? प्रकृति ने। इन गाय बैल पशुओं को किसने बनाया? प्रकृति ने। इस भूमि को किसने बनाया? प्रकृति ने। तीनों चीजों को प्रकृति ने बनाया ना। तो जब भूमि को भी प्रकृति ने बनाया, पशु पक्षियों को भी और मानव को भी प्रकृति ने बनाया और एक जैसा सभी को यहाँ पर बना करके भेजा, तो भूमि पर तो सबका बराबर अधिकार होना चाहिए ना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम लोगों के पास दिमाग था तो हम लोगों ने क्या किया, भूमियों को अपने कब्जे में ले लिया, जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया और उन पर कृषि कार्य किया। पहले तो उन पशुओं को अपने पास रखे थे, अपने घरों में रखे थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी लालसा बढ़ती गई कि हमें अभी और बड़ा घर बनाना है, फिर और ज्यादा गाड़ियां बनानी है, मोटर बनानी है और बहुत आगे जाना है। इसके लिए आपने क्या किया, पशुओं को घर से भगा दिया और उनके जो पशुओं पे चरने के जो खेत थे उनमें आपने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। तो जो पशुओं के चरने के खेत थे, जो चारागाह थे, उन पे आप कृषि कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? उसी खेत पे आपने कृषि कार्य किया तो उसी को ना खाएंगे भाई, उनका हिस्सा तो छोड़ना चाहिए ना, क्योंकि भगवान ने उनको भी बनाया है, आपको भी बनाया है और खेत को भी भगवान ने बनाया है। इतना ही नहीं, आपके पट्टे की जो भूमि थी उसे आपने कब्जे में कर लिया, उसको पूरा उसके पूरा कृषि कार्य कर लिया। जो शासकीय भूमियां थी उनको भी आपने कहीं नहीं छोड़ा, आपने तो पूरे नदियां भी कब्जा लिया, नदी हो, तालाब हो, उनकी मेड़ हो, सड़क हो, हर जगह आपने कब्जा कर लिया। तो वो कहां जाएंगे? लौट कर वो आपके खेत में ही जाएंगे ना। ये तो बात हुई हम लोगों की, हम लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात आती है सरकार, शासन प्रशासन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है इन पशुओं को परेशान करने में। ध्यान दीजिए कि एक हिंसक पशु बाघ, उसके संरक्षण के लिए सरकार ने हजारों एकड़ के पार्क बनवा रखे हुए हैं, संजय टाइगर रिजर्व, इसी तरह के और हजारों। सोचिए वो मानव के लिए घातक है, हिंसक है, इसके लिए भी हजारों एकड़ में उसके लिए रिजर्व जमीनें हैं, हजारों करोड़ रुपए उसके पीछे
खर्च होते हैं, हजारों कर्मचारी उसके पीछे सेवा में लगे हुए हैं। एक हिंसक बालक के लिए, वही पर इन गायों के लिए बहुत किया तो एक एकड़ में गौशाला बनवा दिए, उसके पीछे एक आध दो कर्मचारी और 20-30 रुपए प्रति पशु के हिसाब से खर्च। ऐसे में कैसे होगा भाई, गलती किसकी है? गलती हमारी और आपकी है। हमने खुद इन बेजुबान हमारे गायों को बैलों को रस्तों पर भटकने के लिए छोड़ दिया है। प्लीज ऐसा ना करें। मिले